अस्सलामुअलैकुम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें ना कम से कम कोई हम 7 या 8 पॉइंट्स, कम से कम से 10 तक भी जा सकते हैं, कम से कम 7-8 पॉइंट्स लिखेंगे। इन पॉइंट्स को आप लिखते जाइएगा। अमूमन इस तरह होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। इसके जो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, अगर मैं बेसिकली कहूँ तो आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से अभी तक जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तीन लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो ये वाला है। सही है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तीन लॉन्ग क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का SN1 रिएक्शन है। चले सबसे पहले हम ना इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन अभी सिर्फ आपने राइट करनी है, अभी मैं भी आपको समझना है, लेकिन आगे जाके हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वहां पे आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। डेफिनेशन, डेफिनेशन में सबसे पहली जो बात है ये है कि द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये असल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप है। द टाइप, ये ऐसी किस्म है, द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ऐसी किस्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऐसी किस्म है जिसमें क्या होता है, इन विच जिसमें CX बॉन्ड ब्रेकेज, जो CX बॉन्ड टूट रहा होता है, CX बॉन्ड ब्रेकेज, CX बॉन्ड जो टूटेगा एंड सी ब्रेकेज, या ब्रेकिंग भी लिख सकते हैं ब्रेकेज, एंड CNU बॉन्ड फॉर्मेशन, और CNU बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन जो ये काम हो रहा होगा, ये साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, फॉर्मेशन अक्कर, ये हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली हो रहा था। साइमल्टेनियसली का उर्दू में अगर लफ्जी मतलब बताऊं, उसको कहते हैं एक ही वक्त पर इस चीज़ को हम साइमल्टेनियसली कहते हैं, या फिर अगर ये वर्ड नहीं लिखना चाहते इसकी जगह पर, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर हो, सेम टाइम, एक ही वक्त पर हो, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब इस तरह के रिएक्शन का हम रिप्रेजेंटेशन सेकंड नंबर पे आ जाती है कि रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस को SN1 रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह करते हैं, SN और साथ में 1। सही, N से मुराद न्यूक्लियोफिलिक, S से मुराद सब्स्टिट्यूशन, और 1 से मुराद यूनिमोलिकुलर, SN1 रिएक्शन। ये लफ्जी मतलब याद रखिएगा इसका, क्या इसका मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और 1 का क्या है। चलिए एक हम एग्जांपल लिखते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन, ये रिएक्शन लाजमी याद रखना है आपने। सही है, अब रिएक्शन हम जो लिखने लगे हैं वो कुछ ये एग्जांपल है, CH3Br, ये अल्काइल हैलाइड है, इस चीज़ को अल्काइल कहते हैं, ये हैलोजन लगा, इसे हम कहते हैं ये अल्काइल हैलाइड है। सही है, इसका रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ KOH से, KOH है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये लेना कौन सा है, अल्कोहलिक, ये कौन सा KOH लेना है, अल्कोहलिक KOH लेना है, और हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये बनी होगी, CH3OH बन जाएगा और साथ में KBr बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी यहाँ पे। सही है, ये असल में हुआ क्या है, OH जाके इसकी जगह पे जुड़ गया है और ये Br उतर के बाहर आ गया। सही, अब इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है मैकानिज़म, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात याद रखिएगा, मैकानिज़म, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आएगा, वो कहेगा राइट डाउन द मैकानिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मैकानिज्म लिख दो, क्या हो गया क्वेश्चन,
राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन. इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN1 से. अब इसका मैकेनिज्म अच्छे तरीके से याद कर लेना है. मैकेनिज्म कुछ इस तरह है, मैं इसको ना थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ इस चीज़ को. अगर मैं ओपन करके लिखता हूँ ना, ये कुछ इस तरह का होगा. हमारे पास C यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी होगी BR, सही है. और इसके ऊपर मैं अटैक करवा रहा हूँ OH का. किसका? OH नेगेटिव. कौन सी चीज़ है OH नेगेटिव? इस चीज़ का है यहाँ पे, सही है. और पूरे का पूरा अल्काइल रेडिकल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सही. अब आपको पता है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो चीज़ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कहलाती है क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, सही है. अब ये क्या काम करता है जी? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. अब खुद मुझे सोच के बताएं, इसने अटैक करना है कार्बन पे करेगा या फिर ब्रोमीन पे? ब्रोमीन पे नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा. ये किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सही है. ये क्या करेगा? अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, सही. इसी तरह आपने एरो से शो करना है कि यहाँ पे अटैक कर रहा है. अटैक करने के बाद हमारे पास जो पहली चीज बनेगी वो ये वाला होगा, ये वाली चीज. अब इसमें जो गौर करने वाली चीज है वो ये वाली है. यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाएगी. तीन हाइड्रोजन मैं इस तरह बना रहा हूँ, सही है. और यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी और ये वाली न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, सही है. यहाँ पे ये आधा सा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसका आधा सा बॉन्ड बन जाएगा, सही है. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका ये न्यूक्लियोफाइल पूरे का पूरा लेफ्ट कर जाएगा, लिविंग ग्रुप लेफ्ट कर जाएगा. और हमारे पास जो चीज़ बननी होगी वो ये वाली कुछ चीज़ बन जाएगी. सही, यहाँ पे OH लगा रह जाएगा और यहाँ से BR नेगेटिव निकल गया है. और BR नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है. अब गौर करें ज़रा, यहाँ पे हमने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल ही ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही लेफ्ट हो रहा है. इसे हमने कहा ये कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सही है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा चक्कर यहाँ पे आता है. हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर किसी चीज़ के चार बॉन्ड बने हो, चारों के चारों सिंगल हो, चार बॉन्ड हो, चारों के चारों सिंगल हो, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन चेक करता हूँ ना, सिर्फ इस मॉलिक्यूल की, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3. अगर मैं सिर्फ इस मॉलिक्यूल की देखता हूँ तो sp2 है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई है? sp2. अब मुझे किस तरह पता चला कि यहाँ पे sp2 हो गई है? ये देखें, ये वाले बॉन्ड प्रॉपर ना बने हैं ना टूटे हैं, सही है. इसे हम इसको बॉन्ड कंसीडर, बॉन्ड ये वाले ही हैं. जहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड हो वहाँ पे sp2. एक कौन सा होगा? वो पाई होगा या कोई भी चीज़ खाली पड़ा हो, वहाँ पे हम क्या कहते हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. एक और भी चीज़ आपको स्ट्रक्चर से देख के पता लगा लेते हैं. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है. कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल. यहाँ पे गौर करें तो आपको चार कोने नजर आ रहे हैं और sp2 में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर होती है. यहाँ पे गौर करें, ये तीन एंगल बन रहे हैं, सही है. इसलिए हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई है. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई है? sp2. अब गौर, जो ऊपर में डेफिनेशन लिखी हुई है, द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CX बॉन्ड ब्रेकेड एंड CNU. और NU कौन सी चीज है? ये वाले न्यूक्लियोफाइल. इसको न्यूक्लियोफाइल कह रहा है, सही है. ये CNU बॉन्ड फॉर्मेशन, ये देखें दरम्यान में बॉन्ड बन रहा है और इसका बॉन्ड टूट रहा है. बन भी रहा है और साथ में न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टूट भी रहा है. ये देखें CX बॉन्ड है. मैंने कहा ये कब हो रहे थे? अक्कर साइमल्टेनियसली. ये एक ही वक्त पर होंगे. ये क्या होंगे? एक ही वक्त पर. ये बॉन्ड बन भी रहा होगा आने वाले न्यूक्लियोफाइल का और ये बॉन्ड टूट भी रहा होगा, सही. और ये दोनों के दोनों काम कब हो रहे होते हैं? एक ही वक्त पे. ये मैकेनिज्म अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, सही. इसमें ये वाली लाइनें ना लगाइएगा. ये मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से याद करना है. अब बाकी सारी की सारी चीज़ें हम इसी से देख के लिखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की. हाइब्रिडाइजेशन
की हेडिंग दें हाइब्रिड डाइजेशन। डाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा अगर यहाँ पे गौर किया जाए? अगर मैं गौर करूँ ना, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कुछ ये होगा कि अल्काइल हैलाइड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से किस में चेंज हो रही है, sp2 में। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जो हाइब्रिडाइजेशन किस चीज के ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज चेंज इनटू इज चेंज, ये तब्दील हो जाती है इज चेंज फ्रॉम कहां से कहां पर तक, फ्रॉम sp3 टू sp2, ये sp3 से sp2 में चेंज हो जाती है, सही है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमने बात करी है वो है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की हमने डेफिनेशन की थी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं उस चीज को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यहां पर चेक कर ले एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, यहां भी चेक कर ले एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, द मॉलिक्यूलरिटी जो मॉलिक्यूलरिटी है ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, चले मैं यहां मेंशन कर देता हूं SN2, सॉरी बच्चे ये सारे का सारा डाई वाला है, डाई मॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सही है। चले जी मैं ऊपर लिखा यूनि वाला है, करवा सारा बाई वाला दिया है, चलिए इसको चेंज कर ले, बस यहाँ पे चेंज आना है और यहाँ पे चेंज आना है, सही है। ये थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, सिर्फ ये दो लफ्ज चेंज आने, बाकी मैंने स्टार्ट कोई और करवाया, नीचे कुछ और लिख दिया, तो ये चेंज कर लीजिएगा। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इन SN2 रिएक्शन, जो SN2 रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी होगी SN2 रिएक्शन इज वो क्या होगी, 2। दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं इसलिए 2 होगी, ले जी ये एक बात हमने यहां पे लिख दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फायदा क्या होता है, सही है, आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा फायदा होता है कि मैं कहता हूं रिएक्शन हो रहा है, आपको बंदा पूछ रहा था कितनी स्पीड से हो रहा है, वो जो स्पीड का वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, कितनी स्पीड से हो रहा है, उस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो स्पीड मालूम करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए ना अमूमन क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल निकालते हैं, वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है, इसको कैलकुलेशन के थ्रू हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटली मालूम किया गया तो पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक अल्काइल हैलाइड पे, ये वाली चीज़ अल्काइल हैलाइड होती है, दूसरा सेकंड नंबर पर न्यूक्लियोफाइल पे, सही है। ये दो चीज़ों पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है, ये किस चीज़ से मालूम किया, एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड दैट, इट इज डिटरमाइंड ये मालूम किया गया, डिटरमाइंड दैट ये मालूम किया गया कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है, इज 2, ये 2 है। क्यों 2 है, बिकॉज क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन का रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, किन किन दो चीज़ों पे, पहले नंबर पे अल्काइल हैलाइड, दूसरे सेकंड नंबर पे न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ रिएक्शन इज
डिपेंड ऑन अल्काइल हैलाइड एंड, और इसके अलावा किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर कोई बच्चा इतना सारा कुछ नहीं लिख सकता, वो सिंपल ये बात बताए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ख़त्म करें। और उसके नीचे क्या करें, ये वाली एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख दें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर लिखे अल्काइल हैलाइड। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर गौर करें, अल्काइल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही है, और न्यूक्लियोफाइल का कितना है? वो भी एक है। इसलिए अगर दो होते तो मैं यहाँ पे पावर 2 लिख देता, अगर 3 होते तो मैं पावर बना देता 3 की, क्यूब बना देता। सही है, 2 आ गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका कर, जो अमूमन होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो पावर होती है +1, यहाँ पे भी पावर क्या होगी? +1। इन दो पावर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे पावर क्या है? 1। यहाँ पे पावर क्या है? 1। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ रहा है? 2। इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे 2 आ जाता, 2 + 1 = 3, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता। और एक बात याद रखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी नहीं होता। सही है। अब ये बात हमने यहाँ पे बयान कर ली है। अब इसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट की एडिंग दें, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। सही है। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, अच्छा दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मैं यहाँ पे वर्ड को पहले एक्सप्लेन कर दूँ। एक होता है इन्वर्जन, एक होता है रिटेंशन। दोनों का लफ्जी मतलब समझिएगा पहले, आप वैसे बता देंगे यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। इन्वर्जन एंड सेकंड जो है रिटेंशन। इन्वर्जन की बात करता हूँ तो इन्वर्जन कहते हैं जी उल्ट को। सही है, ये इन्वर्टेड से निकला है। क्या वो इन्वर्टेड कॉमास सुने होंगे, उल्टे कॉमास जो इस तरह करके लगाए जाते हैं, इस तरह। सही। अब इसके बाद रिटेंशन का मतलब होता है, रिटेंशन वर्ड निकला है रिटेन से। सही है, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। क्या मतलब है? बरकरार रखना। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? ओल्ड। और रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? बरकरार रखना। चलो जी हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरह का। अब गौर जो करने वाली चीज़ है ना वो ये है, अब इस चीज़ पर गौर करें, ये कौन सी चीज़ है? न्यूक्लियोफाइल है। ये वाली चीज़ कौन सी है? ये न्यूक्लियोफाइल है। मैं सारे के सारे जहाँ पे ये चीज़ आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को पहचान सकूँ जो प्रोडक्ट किस तरह का बन रहा है। सही है। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज़ है, इस अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट साइड पे। सही। कार्बन के देखें, ये कार्बन है, इसका किस साइड पे है? राइट साइड पे। और जैसे ही रिएक्शन हुआ जो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड पे लगा? लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे लग रहा है? लेफ्ट साइड पे। अब देखें वो राइट साइड पे, ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस साइड पे लग रहा है? लेफ्ट साइड पे। मतलब क्या? बिल्कुल उल्टा हो गया, वो राइट पे ये लेफ्ट पे। ये कहते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% इन्वर्टेड होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, 100% इन्वर्जन। अब एक बात सोचने वाली है, हमेशा इस साइड पे ही क्यों लगता है, उस साइड पे क्यों नहीं लग सका? अगर मैं इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, ये स्ट्रक्चर आप बना के ना इजी समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये कार्बन है और एक इसके साथ आयोडीन के साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आयोडीन जुड़ा हुआ है। सही है, इस कार्बन के साथ। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। एक इस सर्कल का परली साइड पे लगा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक कहाँ पे लगा हुआ है? इस साइड पे। और एक कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे। ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कुछ इस तरह। सही। अब देखे जिस चीज ने अटैक, इसने आके जुड़ना है, जुड़ने के लिए इसको ना यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रही है। इसको मैं साथ में नहीं बनाया, अगर साथ में बनाता हूँ ना तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे ये फिक्स हो जाती है, ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। ये तो ऐसा इसके साथ जुड़ा होता है। सही है। अब इसको ना यहाँ पे जगह ज्यादा मिल रही है, इसलिए हमेशा आकर ना यहाँ पे अटैक करेगा। सही है, क्योंकि उस साइड पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल लगा हुआ है।
सही है, बड़ा मॉलिक्यूल लगने की वजह से हमेशा ऑपोजिट साइड से आकर अटैक करता है, उसको बाहर निकालता है, इसलिए हमेशा जो वो राइट साइड पर लगा होगा ये हमेशा आकर लेफ्ट साइड पर लगेगा। इससे प्रोडक्ट हमेशा कौन सा बनेगा, इन्वर्जन या इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। चले जो प्रोडक्ट बनेगा इन दिस रिएक्शन, इन SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कौन सा होता है, 100% इन्वर्टेड या इन्वर्जन, 100% इन्वर्टेड या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये बात भी हमने लिख ली है। इसके बाद दो चीज़ें रह गई हैं, दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक है जी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर आप SN2 रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सॉल्वेंट की नेचर कैसी होगी। हेडिंग दे लें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो यहाँ पे अमूमन सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो नॉन पोलर होते हैं कॉमनली। अमूमन कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉमनली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आर यूज्ड इन कहाँ पे, इन SN2 रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट वाली चीज़ के नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो हमने इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना है, अल्काइल हैलाइड उसकी नेचर कैसी हो, वो कैसा होना चाहिए, चलें ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे गौर करके मुझे बताएं, ये जो अल्काइल हैलाइड लिया है ये प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है, ये वाला का जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है क्या वो आगे कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। अगर तो एक के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी, दो के साथ सेकेंडरी, तीन के साथ टर्शरी, अगर किसी के साथ भी नहीं फिर भी प्राइमरी, ये कौन सा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसलिए यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यूज किए जाते हैं वो प्राइमरी है। SN2 रिएक्शंस में ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया जाता है। चेक कर ले कितनी हेडिंग्स बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 हेडिंग्स हैं। कम अज कम आपने 5 लिखनी है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कम अज कम 5, जिसमें इंपॉर्टेंट जो 3 तो लाजमी लिखनी है ना, डेफिनेशन मैकानिज़म और रिएक्शन, ये 3 लाजमी है, बाकी आपकी मर्जी है। मैकानिज़म तो लाजमी लिखना है ना, अगर आप पूरा सारा लिख देते हैं सिर्फ मैकानिज़म नहीं लिखते आपके 2 नंबर काट लेगा 4 में से, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर आती ही मैकानिज़म, बाकी सारा चीज़ आपने मैकानिज़म को देख देख के लिखी है। सही है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड कौन सा है, कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जितने होंगे उतने ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देख के लिखी हैं। सही है, चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। फिर आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।